फर्श न्यूज की सारी खबरें आप तक। फर्श बाजार थाने की टीम ने चोरी के मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया। कड़कड़ी मोड़ से चोरी हुए केबल के 64 टुकड़े और एक वाहन बरामद किया। सहादरा जिला के DCP रोहित मीना ने शुक्रवार की सुबह 10:02 पर मीडिया को बताया कि फर्श बाजार थाने को 22 फरवरी को शिकायतकर्ता CP सिंह, जो कि MTNL कॉपर नेटवर्क के अंदर वहां कार्य करते हैं, और उन्होंने कंप्लेंट दी कि करकड़ी मोड़ विश्वास नगर के पास से 540 मीटर की कुल लंबाई वाली 9 भूमिगत केबल की चोरी के बारे में। इस मामले की जांच SHO ने सौंपी हेड कांस्टेबल मणिराम को, जिसके बाद मणिराम ने जांच की तो पता चला कि वाकई में चोरी हुई है, जिसके बाद मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि सहादरा सब डिवीजन के ACP के निर्देश पर फर्श बाजार थाने के SHO विक्रम के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इस टीम के अंदर SI विनीत, हेड कांस्टेबल मणिराम और हेड कांस्टेबल राहुल इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे CCTV फुटेज चेक किए, देखा कि एक चोर ने केबल चोरी की है, जिसने उस केबल के टुकड़े कर दिए हैं और एक टाटा 407 वाहन में लोड की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और आखिरकार आरोपी की पहचान हुई और आरोपी को करकड़ी मोड़ से उस समय गिरफ्तार किया जब वाहन के अंदर चोरी का जो केबल थी, जिसके टुकड़े कर दिए थे 64, उसको ले जाने की कोशिश करा था। पुलिस ने उस टाटा 407 वाहन को रोका, उसके अंदर एक आरोपी था, उसको पकड़ लिया और वाहन की तलाश ली तो उसमें चोरी हुए केबल के 64 टुकड़े बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ में जो टाटा 407 वाहन था उसको भी जब्त किया। आरोपी की पहचान अब्दुल बासित पुत्र मोहम्मद यूसुफ, निवासी उत्तराचल बिहार बेहटा हाजीपुर उत्तर प्रदेश का, इसकी उम्र 29 साल है, आरोपी से की जा रही है पूछताछ।